हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू अनदर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, एक और मैं नए नए वीडियो को लेके आ गया हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ओप्पो A520 के फ़ोन में जो कैमरा है, फुल सेटिंग में कैमरा रिव्यू डिटेल देने वाला हूँ। बहुत सारे सेटिंग यहाँ पर दिखता होगा आपको, बहुत लोगों को पता नहीं है सेटिंग के बारे में। कैमरा का जो फुल डिटेल रिव्यू मैं दूंगा, तो कैसे कैसे ये सब सेटिंग यूज़ करना है और इस सब चीज़ सेटिंग को यूज़ करके मुझे आखिर हम लोग को आखिर क्या मिलता है, सेटिंग को यूज़ करके आखिर हमें क्या मिलता है। तो चलिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल भी है, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिएगा। तो चलिए, आज के इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट पहले आप करते बात हैं। की जाए कैमरा के डिटेल के बारे में, एक 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 करके मैं सारे फंक्शन के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल भी है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहला सेटिंग में बताने सबसे पहला ऑप्शन में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको कैमरा ओपन कर देना है। जैसे ही आप कैमरा ओपन करते हैं, आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। और चलिए, मैं जूम करके दिखा देता हूँ एक बार। देख सकते हो, फ्रंट में आपको यहाँ पर एक फ्लैश का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आप फोटो कभी भी क्लिक करते हो तो आप ऑन कर सकते हो। फोटो क्लिक करने समय एक फ्लैश निकलती है जो आपके ऑब्जेक्ट पर रिप्लेस करती है, वो हो जाएगी। और फिल लाइट मतलब आप फोटो क्लिक कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक जलता रहेगा, ठीक है? चलिए, मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, जैसे कि देख सकते हो ये, ठीक है? तो मैं यहाँ क्लिक किया, ठीक है, तो ये फ्लैश जलता ही रहा और मैंने क्लिक किया। इसको ऑफ़ करने के लिए आपको ऑफ़ कर देना है ऑफ के ऑप्शन में। और अगर आप चाहते हो कि फ़ोटो लेने समय ही वो फ्लैश जले, तो आप सिंपली से ऐसे टैप कीजिए और क्लिक कीजिए, एक फ्लैश जल रहा होगा, देखिए। तो यहाँ से आपका जो फ़ोटो है वो क्लिक हो गया, सबसे पहला। दूसरा SDR, SDR का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी आप अगर नॉर्मल फ़ोटो क्लिक करते हो तो वो SDR में आप क्लिक नहीं करते हो। SDR में क्लिक करने के बाद आपका जो फ़ोटो है वो SDR में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आपका फ़ोटो पहले के मुताबिक फटता नहीं। चलिए, एग्जाम्पल के तौर में मैं एक फ़ोटो क्लिक करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि देख सकते हो, ये रहा हेडफोन, ठीक है? अब मैं यहाँ फ़ोटो क्लिक करता हूँ, मैं SDR मोड में मैंने सेलेक्ट कर लिया है, देख सकते हो। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर येलो कलर का जो मोड है वो ऑन हो गया। तो मैं यहाँ पर सिंपली से टैप करके यहाँ क्लिक करता हूँ, जैसे कि देख सकते हो। जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये फ़ोटो है पूरी तरीके से SDR में क्लिक हुआ और एक जरा सा फट नहीं रहा पहले के कंपेयर से, ठीक है? तो ऐसे करके आप अपना SDR मोड में सेलेक्ट करके फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। तीसरा आएगा, आपको कलर ऑन हो जाएगा, ठीक है? आप जैसे ही सेलेक्ट करते हो, पहले के मुताबिक जो फ़ोटो है वो फीका फीका आता होगा, लेकिन जैसे ही आप इसे ऑन करते हो, आपका जो फ़ोटो है, जैसे ही आप क्लिक करते हो, सपोज़ देखिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ ये, ठीक है? तो जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया, तो ये जो फ़ोटो है बहुत ही कलरफुल आ गया, ठीक है? आपको आपको कैमरा में पता नहीं चलता होगा, बट ये अगर आपके पास ये फ़ोन है तो आप ये मोड को ऑन करके क्लिक करके देखिएगा, तब आपको पता चलेगा। चलिए, चौथा चौथा ऑप्शन आता है फिल्टर। यहाँ देख सकते हो आप, फिल्टर अभी यूज़ कर सकते हो। जैसे ही आप वहाँ पर फर्स्ट में सेलेक्ट कीजिएगा, आपको कुछ नीचे फिल्टर, बहुत सारे फिल्टर यहाँ मिल जाएगा। आप एक से एक फिल्टर के हिसाब से आप फोटो वहाँ क्लिक कर सकते हो, ठीक है? और सबसे लास्ट ऑप्शन में आप यहाँ कर सकते हो फ्रेम। फ्रेम आप छोटा कर सकते हो मोबाइल के डिस्प्ले को। एक बार और टच करिएगा तो और छोटा हो जाएगा, और टच करिएगा तो और छोटा हो जाएगा। अपने हिसाब से आप फ्रेम सेट कर सकते हो। और दूसरा, टाइमर। 3 मिनट का टाइमर है, 10 मिनट का टाइमर है। तो 3 मिनट का टाइमर मैंने सेलेक्ट किया, तो देख सकते हो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, तो जब तक 3, 2, 1 नहीं होगा तब तक फोटो क्लिक नहीं होगा, यहाँ हो गया। ऐसे करके आप 10 मिनट का टाइमर सेलेक्ट कर सकते हो। और एक्स्ट्रा SD, ठीक है, ये ऑप्शन आप देखिए। एक्स्ट्रा SD में क्या होता है कि जब भी आप फोटो क्लिक करते हो, ये एक्स्ट्रा SD में फोटो क्लिक होता है। सपोज एक्स्ट्रा SD जब भी आप सेलेक्ट कीजिएगा, तो आपका देखिएगा डिस्प्ले का साइज है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो आपको सिंपली टैप कर देना है और एक्स्ट्रा SD में फोटो क्लिक करना है। तो जैसे ही देख सकते हो, एक्स्ट्रा SD में आपने फोटो क्लिक किया, आपकी फोटो क्वालिटी देख सकते हो, ठीक है? ऐसे करके आप एक्स्ट्रा SD वाले ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद सेटिंग में आपको चले जाना है। सेटिंग में कुछ खास सेटिंग नहीं करना है यहाँ पर। फिंगरप्रिंट शूटिंग, आप फिंगरप्रिंट के द्वारा भी फोटो क्लिक कर सकते हो। चलिए, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, जूम करके देखिए, ठीक है? उसके बाद शटर साउंड, लोकेशन, ये सब आप सेटिंग कुछ कर सकते हैं। टच टू टेक फोटो, अगर आप टच करिएगा तो आपका फोटो ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा। तो ये सब नॉर्मल सेटिंग आप कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, पहला ऊपर वाला तो ऑप्शन मैंने बता दिया, अब नीचे वाला ऑप्शन की बारी है, ठीक है? यहाँ सबसे पहला आता है नाइट मोड। नाइट मोड का ऑप्शन क्या होता है, जब भी आप फोटो क्लिक करते हो नाइट मोड में,
ये जो एडवांस फीचर्स दिया गया ओप्पो A15 के फ़ोन में, ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स है। जैसे कि नाइट मोड में मैंने फ़ोटो यहाँ क्लिक क्लिक करता हूँ तो नाइट मोड का फ़ोटो जो है अदर एज नॉर्मल कंपेयर से कैमरा से बहुत ही अलग आता है। तो इससे आप नाइट मोड में सिंपली से कलेक्ट क्लिक कर सकते हो। जैसे ही क्लिक करिएगा यहाँ टाइमिंग आपका शूटिंग देख सकते हो फ्रेंड्स, ऑन हो जाएगा। तो यहाँ जैसे ही ऑन किया देख सकते हो नाइट मोड का फ़ोटो, ये अक्सर नाइट में ही यूज़ होता है। उसके बाद वीडियो में आ जाना है आपको। वीडियो में आ जाने के बाद आप यहाँ पर 1x में कर सकते हो, 2x में कर सकते हो, 3x में कर सकते हो, 4x में कर सकते हो। और यहाँ टैब भी आप रखिएगा तो आप यहाँ से भी एक ऑप्शन हो जाएगा, ये जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फ़ोटो में आ चले जाना है। फ़ोटो में चले जाने का आपको भी ऐसा ही मिलता है, अल्ट्रा वाइड एंगल भी आपको मिल जाता है यहाँ पर, 1x, 2x, 3x ऐसे करके आप कर सकते हो। और आपको यहाँ फिल्टर भी मिल जाता है और आपको ब्यूटी मोड भी आप बगल में मिल जाता है। आप अपने हिसाब से ब्यूटी मोड ऑन कर सकते हो। और पोर्ट्रेट मोड, पोर्ट्रेट मोड का मतलब ये होता है जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट को फोकस करते हो तो पीछे ब्लर हो जाता है DSLR टाइप की। चलिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर में आपको दिखा देता हूँ। सिंपली से देखिए मैं क्लिक करता हूँ, जैसे कि ये फोटो है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में मैंने फोकस किया और मैंने यहाँ जैसे कि मैंने क्लिक किया तो देख सकते हो पीछे का बैकग्राउंड जो है वो ब्लर हो गया और आपका जो ऑब्जेक्ट है सिर्फ वही फोकस हुआ। तो ऐसे करके आप पोर्ट्रेट मोड में एक DSLR टाइप की ब्लर फोटो क्लिक कर सकते हो। और सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में मोर में चल जाना है, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से सेटिंग यहाँ कर सकते हो। उसके बाद एक्सपोर्ट करके बाद स्टिकर भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। स्टिकर देखिए तरह तरह का यहाँ पर स्टिकर आपको अवेलेबल मिल जाएगी, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। स्टिकर के बाद आपको गूगल लेंस, ये कोई भी ऑब्जेक्ट फाइंड करने में काम आता है। जैसे कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट पता नहीं तो आपको सिंपली से यहाँ करना है टैप, और आपको सिंपली से यहाँ सर्च में वाले ऑप्शन में चल जाना है। यहाँ तो नेट अभी ऑप्शन नहीं है क्योंकि नेट अभी यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। ऐसे करके आप कर सकते हो। और पैनो भी कर सकते हो, ये मतलब कि एक एक फोटो कैप्चर करेगा, आपको राउंड करना है, ठीक है। आप अपने फ़ोन में कर सकते हो। उसके बाद फिर टाइम लैप्स के हिसाब से कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर सेलेक्ट किया तो आपको सिंपली से यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट में ऐसे कुछ ही चीज़ में भी फोकस करना है और आपको सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ टाइम लैप में भी आपको देख सकते हो किस तरीके से फास्ट मोड में ये प्ले हुआ। उसके बाद आपको सबसे लास्ट ऑप्शन मिला स्लोमो। स्लोमो वीडियो आपको तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, बट इस वीडियो में मैं बता देता हूँ। स्लोमो वीडियो आपको ओप्पो A15 के फ़ोन में अवेलेबल आपको मिल जाएगी। तो जैसे एक चीज देख सकते हो, मैं यहाँ पर स्लोमो में एक वीडियो शूट करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ शूट किया, अब मैं वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ A to Z बात बता दी, A to Z कैमरा के सेटिंग के बारे में मैंने बता दिया। तो उम्मीद करते हैं छोटा सा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय बाय। और हाँ फ्रेंड्स, आपसे एक और रिक्वेस्ट करनी थी, मैंने एक और नया चैनल बनाया है, निकी शर्मा ब्लॉग। उसमें मैंने ब्लॉग के चैनल बनाया है, मैंने एक वीडियो भी एक ब्लॉग भी मैंने अपलोड कर दिया है। तो आप भी विजिट करिए, मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और दोनों चैनल को मेरे सपोर्ट कीजिए। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे, थैंक यू।